इनके लब रंगी की मिठावर के जिसने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल मुस्तफ़ा हैं, ये मालूम करना चाहते हैं ड्रीम इलेवन खेलना कैसा है, इसको खेलना चाहिए या नहीं। जवाब इनायत फरमाए। असल में ड्रीम इलेवन शायद ये वो जो ये क्रिकेट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर शायद आप एक टीम बनाते हैं और टीम बना के उसके ऊपर यानी कोई कॉन्टेस्ट क्रिएट करके उसके अंदर खेलते हैं। अगर आपके मुताबिक जो प्लेयर वगैरह होंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे या जिसको कैप्टन बनाया वाइस कैप्टन बना उसके हिसाब से आपको इसमें पैसा मिलता है। तो इसमें आप पैसा जीतते हैं और इसमें पैसा हार भी जाते हैं, तो दोनों सूरतें इसके अंदर होती हैं कि आपके हिसाब से अगर रहा मामला तो पैसा इसमें जीतते हैं। वैसे इसकी ज़्यादा तफसील मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसमें जो सूरत नज़र आती है वो गुनाह की और जुआ की नज़र आती है कि इसमें एक किस्म का जुआ होता है कि पैसा लगाना खिलाड़ियों के ऊपर। एक तो ये कोई बिज़नेस आमदनी कोई कमाई भी नहीं है कि इसमें पैसा खर्च करके आदमी नुकसान उठाए, क्योंकि अगर नुकसान वाली बात है तो कभी कभी आदमी को कारोबार में भी नुकसान होता है, मगर ये किस्म का जुआ कोई कारोबार नहीं है कि इसमें बंदा पैसा हार भी जाता और जीत भी जाता और इसको ख़रीदने बेचने कोई सामान नहीं होता। सिर्फ ये कि एक किस्म का ये जुआ खिलाड़ियों के ऊपर लगाया हुआ होता है, तो इस किस्म के एप्लीकेशन से पे पैसा लगाना भी हराम है और इससे जो जीती गई रकम है उसका इस्तेमाल करना भी हराम है। ये किस्म का जुआ है और अगर इसके अंदर कोई दूसरी डिटेल या तफसील या कोई जायज़ की सूरत हो तो वो साहिल मुझे लिखकर मतलब अलग से नोटिस करें कि इसके अंदर क्या क्या सूरतें होती हैं, जो आके अलग कोई सूरत होती है। अगर मेरे बताने में कोई कमी हो कि ऐसा नहीं होता तो फिर आप मुझे इसकी पूरी डिटेल लिख के भेजें, ऑडियो में सेंड करें कि ऐसा क्या होता है। अलबत्त मुझे इतना ही मालूम चल पाया कि ये एक किस्म से वो जुए का एप्लीकेशन है जिसमें मैच पर पैसा लगा के जीता भी जाता और हारा भी जाता है। पत्थर में हसन लाले पुराने